वेलकम बैक टू माई चैनल कुजिन क्लब बाई सुलेखा। आज हम बनाते हैं काली चने का कबाब। काली चने का कबाब बनाने के लिए मैंने काली चने को रात भर भिगो दिया था। सुबह इसका पानी निकाल के मैंने रखा है। अब इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक जावित्री रखा है, जिसको एक साफ़ कपड़े में हम गांठ बांध लेंगे और इसको हम छोले के साथ कुकर में डाल के उबालेंगे। हमें इसकी खुशबू चाहिए और हमें इसका जो टेस्ट है वो चाहिए छोले में, हमें ये मसाले नहीं चाहिए, इसीलिए मैं डिफ्यूज़र की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। फिर एक कप चना, जो हमारा दो कप चना बन चुका है, उसकी मेजरमेंट के लिए मैं आपके सामने इसको माप के डाल रही हूँ, क्योंकि इसका पानी का प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी है, वो सोच के आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिफ्यूज़र उसमें रहेगा और पानी ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और पानी भी हम दो कप डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काली मिर्च ऊपर से डालेंगे और पोटली को रखते हुए कुकर को बंद करके हम इसको एक सीटी के बाद सिम करके 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब हमारा ये पक जाए, स्टीम निकल जाए, फिर हम धीरे से कपड़े को साइड करेंगे और ये जो चना है हम स्ट्रेनर में इसको छान लेंगे, क्योंकि इससे जो पानी निकलेगा उस पानी से हमें ये छोले को पीसना है। काले चने का कबाब अगर आप खा लेंगे तो आप नॉनवेज कबाब भूल जाएंगे, इतना अच्छा बनता है, बेटर देन नॉनवेज कबाब बनता है और उतना ही पौष्टिक है ये। फिर हम इसको ग्राइंडर में पीसेंगे, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें, बहुत सोच समझ के पानी डाल के हमें इसको पीसना है, थोड़ा बच जाता है पानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हमारा बैटर बन चुका है, इसको हम मिक्सिंग बोल में डालते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च स्वाद अनुसार डालेंगे और एक नींबू पूरा आप इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया। मैंने हरा धनिया डाला, इसको जब कबाब को हमें सेकना होगा उससे पहले हम कबाब को बना लेंगे, जो भी साइज़ आपको चाहिए, पतला चाहिए, छोटा चाहिए, मोटा मोटा, बड़ा बड़ा चाहिए, जैसे चाहिए आप अपने हिसाब से इसको बना कर पहले एक ट्रे में, प्लेट में रख लेंगे। फिर हम इसको एक साथ सेकेंगे, क्योंकि इसको सेकने में टाइम लगेगा। सपोज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में इसको खाना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसन रोस्ट करके इसमें मिक्स कर लीजिएगा, उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल हम तवे को 2-3 चम्मच ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं सिंपली, और उसमें हम ये सारे कबाब रख देंगे और फ्लेम है उसको बिल्कुल लो पे कर देंगे। एक एक साइड आप मानिए कम से कम आराम से 5 मिनट लगेगा इसको सिकने में, मैंने 10 मिनट में आपका ये कबाब सिक जाएगा और बहुत अच्छा। 5 मिनट बाद इसका जो है साइड चेंज कर देते हैं। अब देखिए कितना अच्छा लाल लाल सिक गया 5 मिनट में एक तरफ। बिल्कुल नहीं टूटा हमारा कबाब। ऑलमोस्ट हमारा 5 मिनट में रेसिपी हमारा पूरी हो जाएगी।
और कबाब हमारा तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो ना इसको जैसे कबाब पराठा खाती है वैसे भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी। आप इसके साथ ग्रीन चटनी लीजिए, थोड़ा सा रेड चटनी माने सॉस लीजिए। मैं भी इसको ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। कबाब पराठा, कबाब रोटी एक मील में भी खा सकते हैं। चलिए आप भी घर में बनाइए, सबको खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्विजिन क्लब।